एनिमल मूवी में काफी वायलेंस दिखाया गया, क्या इसको कम किया जा सकता था? ओवर द टॉप एक्शन सीन्स तो अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या इतना ज्यादा वायलेंस मूवी में सही है? क्या ये सही मैसेज देता है लोगों को, या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक था मूवी, या फिर औरतों को गलत तरीके से दिखाया गया? क्या इसे फेयर नहीं रखा सकता है? मतलब हर मूवी में संदीप रेड्डी वंगा की मूवी में बोला जाता है कि औरतों को गलत तरीके से दिखाया जाता है, यानी उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, इससे गलत मैसेज आता है लोगों तक। और हमारा जो लीड कैरेक्टर है उसे अल्फा मेन दिखाया है, जो मतलब वीकर लोग जो शायरी करते हैं, जो बोलते हैं कि लड़कियों को बोलते हैं, डायलॉग्स देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, क्या उन लोगों को गलत दिखाना ये जस्टिफाई करता है? ये सारी चीजें क्या मूवी में नहीं रह करके मूवी अच्छी बन सकती थी? तो इन सभी चीजें बात करेंगे, और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को यहीं तक देख करके आप मेरी बातों से एक अलग मैसेज लेकर के जाएं, मैं चाहता हूं वीडियो को पूरा देखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लास्ट में, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं इन सभी चीजों पे। बोला जा रहा है सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है आजकल एनिमल को लेकर के, वो है कि वायलेंस ज्यादा है। सबसे पहला हॉट टॉपिक यही है कि वायलेंस मूवी में काफी ज्यादा दिखाया गया है। मैं एग्री नहीं करता हूँ इस बात से, और बोला जा रहा है कि इससे लोगों तक गलत मैसेज आएगा। मतलब कुछ भी, मतलब आप बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया जा रहा है, बहुत ज्यादा जो ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं वो देख करके लोग ये सीखेंगे और वो करेंगे। क्या सच में ऐसा होता है? मतलब आप सच में एक बार 2 सेकंड के लिए पॉज लो इस वीडियो को, और क्या सच में ऐसा होता है कि हाँ आपने अभी तक जितनी अपनी, क्या ये पहली आपकी मूवी थी? सबसे पहले तो आप ये सोचो कि ये आपकी पहली मूवी थी जो एनिमल मूवी आई, ये अपनी लाइफ की पहली मूवी देख रहे हो? मैं, मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं गेस कर रहा हूँ नहीं, ये आपकी पहली मूवी नहीं होगी। तो क्या आपने जितनी भी मूवियाँ देखी हैं उसमें क्या जितने नेगेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो जो करते हैं आप अपनी लाइफ में करने लगते हो? और अगर करने लगते हो तो यार खुद को सुधारो। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब हजारों ऐसी मूवीज हैं, और इनफैक्ट ऐसी मूवीज मुझे बहुत कम दिखती है जहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर होता ही नहीं है। मतलब मूवी में गलत हो ही नहीं रहा हो, ऐसी मूवीज आप एक लिस्ट बना करके दो, मैं कहता हूँ 50 मूवीज की ऐसी लिस्ट दो, मुझे तो लगता है आपको एक मूवी का याद नहीं आएगा। मुझे तो खैर फिर भी याद आते हैं कि हाँ अच्छे कैरेक्टर के साथ अच्छी चीजों को दिखा करके भी मूवी बनती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन भी है कि अगर आपको कोरियन मूवीज या वेब सीरीज पसंद है तो आप एक वेब सीरीज देखना स्टार्टअप, उसमें किसी भी कैरेक्टर को गलत नहीं दिखाया गया मुझे जहां तक याद आ रहा है, काफी पहले मैं देखा हूं। और वो वेब सीरीज जब आप देखोगे तो काफी हैप्पी वाइब्स देगा वो वेब सीरीज। मतलब हर कैरेक्टर अच्छा, हर कोई अच्छा करना चाहता है। मतलब ऐसी भी वेब सीरीज होती है, ऐसी भी मूवीज बन सकती है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपको कितनी मूवीज ऐसी याद आ रही है जिसमें सभी अच्छे कैरेक्टर हों, कोई जिसके मन में गलत है नहीं? आप सीरियल भी देखोगे तो एक साइड जो है, जो जिसे देखते होगे जिसमें 3 बार म्यूजिक के साथ ऐसे 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 करते हैं लोग, तो क्या वो जो करते रहते हैं, जो वो अपने अंदर प्लान बनाते रहते हैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट, क्या वो सारी चीजें आप अपने घर पे करते हो? नहीं ना। या फिर जितने वायलेंस दिखाए गए, आप चलो मैं सबसे पहले बहुत पुराने लोगों के लिए मैं बताता हूँ बॉलीवुड या फिर साउथ मूवीज में आप जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर को देख लो, अमरीश पुरी हो, मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात किया हूँ, अमरीश पुरी हो, शक्ति कपूर हो, जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर मूवी में जो करते हैं, क्या वो कैरेक्टर जो करता है वो अपनी रियल लाइफ में आप करने लगते हो? अगर करने लगते हो तो ये आपका कॉम्प्लेक्स माइंड सेट है। आप मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये मूवी देख करके कर रहे हो, वो आज न कल आप किसी न किसी वजह से करते ही, मतलब आप मूवी को ब्लेम कर सकते हो इस चीज के लिए। बहुत सारे ऐसे रेयर इंसिडेंट्स आए हैं, ऐसा नहीं कि ये हमेशा होता है, हर मूवी को लेकर के हर कोई ऐसा ही करते रहता है, जो निगेटिव कैरेक्टर होता है उसे देख करके लोग ऐसे करने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रेयर चीजें हैं कि हमें न्यूज में सुनने आता है कि ये मूवी को देख करके लोगों ने ऐसे किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो लोगों का माइंडसेट जो है कॉम्प्लेक्स माइंडसेट होता है, वो मतलब नहीं भी मूवी देखेंगे तो ये चीज करेंगे ही, बस वो मूवी का एक ब्लेम है। तो क्या आपने जितनी भी चीजें देखी होंगी, निगेटिव चीजें देखेंगी पहले की मूवीज में, क्या वो सारी चीजें आप करते थे? फिर वो जस्टिफाया, मतलब क्या वो चीज को जस्टिफाई करता है जो आप एनिमल को लेकर के टारगेट कर रहे हो? फिर आप कहोगे कि नहीं, वो निगेटिव कैरेक्टर जो होता है, वैसे ये आर्गूमेंट कोई देता ही नहीं है। मैं अपने मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बोले थे कि ये वॉयलेंस इतना दिखा दिया गया, फिर मैंने एग्जांपल दिए, तो ये आर्गूमेंट वो नहीं दे सकते थे कि, क्योंकि उतना कोई सोचता नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप देखते हैं और कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये मूवी यार अच्छा नहीं है, इतना वॉयलेंस दिखा दिया गया, इतने एडल्ट सीन्स दिखा दिए गए हैं, संदीप रेड्डी वंगा जो है औरतों को गलत दिखाते हैं।
बस स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये आर्गुमेंट दे सकते हो कि वो जो नेगेटिव कैरेक्टर थे पहले इसके मूवीज में, उससे लाइफ लेसन मिलता था। लास्ट में हमें दिखाया जाता था कि हीरो नाम का जो भी कैरेक्टर होता था वो जो है उसे मार देता था, या फिर किसी वजह से जो नेगेटिव कैरेक्टर था जेल चला जाता था, या फिर उसे किसी न किसी तरह से उस नेगेटिव कैरेक्टर को उसे अपने लाइफ लेसन मिल जाते थे कि मैं गलत क्या हूं तो गलत मेरे साथ हो रहा है। तो इसलिए आप उस चीज से इंस्पायर नहीं होते। आप ये आर्गुमेंट दे सकते हो लोगों को, लेकिन फिर मैं ऐसी मूवीज की भी एग्जांपल दूंगा जहां पे हमारा जो लीड कैरेक्टर होता है वो जिसे आप देख करके सोचते हो कि ये जीते, मतलब ऐसी कैरेक्टर भी पे भी मूवीज हैं। जैसे कि मैं याद करूं तो डॉन, अमिताभ बच्चन की डॉन, फिर उसको रिमेक किया गया शाहरुख खान का डॉन 1 डॉन 2 ले लो। क्या आप सच बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोग मेरे से एग्री करते हो, क्या डॉन मूवीज देखते इसमें आप नहीं सोचते रहते हो कि इस बार डॉन पकड़ा नहीं जाए, इस बार डॉन पकड़ा नहीं जाए? तो आप वैसे कैरेक्टर को लेकर के सोच रहे हो ना कि आप उस कैरेक्टर को ये बोल रहे हो कि वो पकड़ा नहीं जाए, मतलब आप उसके लिए एक जगह दे रहे हो अपने दिल में, मतलब वो कैरेक्टर आपको अच्छा लग रहा है और ये कैरेक्टर आपको बुरा लग रहा है, मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हो? मतलब ये तो दोहरे मापदंड है ना सिर्फ एनिमल को लेकर के जो टारगेट किया जा रहा है। इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है इस मूवी को लेकर के। क्या डॉन मूवी कहीं भी जो डॉन का कैरेक्टर है वो सही कैरेक्टर है, लेकिन वो भी एक लीड कैरेक्टर है? चलो ठीक है, और भी एग्जांपल देता हूँ जो इधर रिसेंट की मूवीज आई हैं। एक कल्ट क्लासिक मूवीज जो दो पार्ट में आई है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कितने लोगों की फेवरेट मूवीज में से एक होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो क्या आप मूवी देख करके तमंचे लेकर के या फिर कट्टे लेकर के जाकर के मारने लग रहे हो लोगों को? उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया है, मतलब जो संदीप रेड्डी वंगा को टारगेट करते हैं कि वो अपनी मैं इस पे बाद में भी आऊंगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे लोग गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं संदीप रेड्डी वंगा में को, कि उनकी मूवीज में लड़कियों को अच्छी तरीके से नहीं दिखाया जाता है। तो क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर में औरतों को अच्छी तरीके से दिखाया गया है? मतलब वो आपको लग रहा था कि नहीं, वो जो भी कैरेक्टर कर रहा है सरदार खान का कैरेक्टर अपनी वाइफ के साथ या फिर किसी के साथ, वो सही था क्या? मतलब दो सेकंड के लिए यहाँ पे भी पॉज रख के सोचना, मतलब अगर वो आपको सही लगता है तो फिर सोच लो कि आप एनिमल के साथ ऐसे हेट कमेंट्स क्यों कर रहे हो। फिर बात करते हैं संदीप रेड्डी वंगा जो अपनी फिल्म में जो है औरतों को गलत तरीके से दिखाते हैं, और ये इमेज उनकी बनी है जो उनकी पिछली दो फिल्में आई है अर्जुन रेड्डी और उसकी का इमेज बॉलीवुड में बना है कबीर सिंह। उस फिल्म में उस सीन को लेकर के मुझे लगता है ज्यादा है, अब मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जहां पे शाहिद कपूर जो है अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारते हैं। मुझे लगता है लोग अगर नहीं समझते इन सभी चीजों को, सबसे पहले तो मैं उसको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले वो थप्पड़ क्यों मारते हैं, याद करो वो सीन, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे थे कि जाओ जाओ मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, या फिर जो भी होता है उसके पहले उस समय जो है उस लड़की को मना कर रहे होते हैं और वो फिर भी वापस आ रही होती है, उस वजह से वो थप्पड़ लगाते हैं। चलो ठीक है, आपको ये गलत लग सकता है, अच्छा नहीं लगता है, किसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए यार, लेकिन अब आप उल्टा रखो इसी को, एक लड़की और एक लड़का जो है उस समय, मतलब कि आप कह लो कि शाहिद कपूर जो है अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार टीज करे, मतलब वहां पे जो है लड़की का कैरेक्टर जो है वो बोल रही है कि नहीं तुम मेरे पास नहीं आओ, और लड़का जो है बार बार उसे परेशान कर रहा है, बार बार उसके पास आ जा रहा है उसके मना करने के बाद, और जब लड़की लड़के को थप्पड़ मार देती, क्या कोई भी एक मतलब चू भी करता है इसको लेकर के कि यहाँ पे लड़का को थप्पड़ कोई कैसे लड़की मार सकती है? मतलब समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई नहीं है कि संदीप रेड्डी वंगा को लेकर के टारगेट किया जाता है कि लड़कियों को खराब दिखाया जाता है, बुरा दिखाया जाता है, लड़की को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता उनकी मूवी में, ऐसा नहीं है। उसके पीछे का बिल्डअप देख लो, अगर वो उस चीज को जस्टिफाई करते हैं तब गलत मानूंगा कि हाँ संदीप रेड्डी वंगा यहाँ पे गलत दिखा रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा कि मैंने पहले बात किया था कि बॉलीवुड मूवीज में या फिर साउथ की मूवी में देखो कि नेगेटिव कैरेक्टर जो गलत करता है उससे उसके लाइफ लेसन मिल जाते हैं। मैं ना एग्री नहीं करता हूँ कि मतलब मैं तो इससे ज्यादा फिर जो भी ये कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं ना, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा KGF पुष्पा, ये रिसेंट की टाइम में सबसे बड़े हिट मूवीज में से एक है। और आप याद करो KGF में क्या वो जो भी हमारा रॉकी भाई का कैरेक्टर है, क्या वो जो भी करता है वो सही है? मतलब वो जो भी वहां पर लोगों को हेल्प बाद में करता है क्या, लेकिन वो सारे जो भी काम जो भी वो क्राइम्स करके आता है क्या वो उन सभी चीजों को कर देता है तो वो जस्टिफाई हो जाता है? नहीं, अगर आप गलत रास्ते से वो सारी चीजें कर रहे हो तो कहीं भी उन सभी चीजों को आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। फिर आप पुष्पा को ले लो, इधर की रिसेंट टाइम की मुझे सबसे अच्छी मूवी लगी है। क्या मैं अभी भी KGF या पुष्पा को गलत नहीं बोल रहा, मैं
मूवीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ मूवी को और मुझे अच्छी लगे हैं दोनों मूवीज। तो क्या पुष्पा का कैरेक्टर सही करता है हर जगह मूवी में, लेकिन फिर भी आप उसके फैन हो ना? तो ऐसा नहीं है लोग उसको, और सबसे बात ना डायरेक्टर वहां पे लास्ट में ऐसा नहीं है कि पुष्पा को गलत दिखा देते हैं या फिर ये बता देते हैं कि पुष्पा यहाँ पे गलत था। लेकिन मैं यहाँ पे संदीप रेड्डी वंगा की तारीफ करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं मूवीज का फैन हूँ और जो भी डायरेक्टर अपने फ्रीडम से बनाया यार जो दिखाना चाहते हैं दिखाए। मैं मूवीज से जो गलत चीजें होती है उसे क्यों इंस्पायर होगा, मुझे जब दिख रहा है कि वो गलत है तो ऐसी चीजों से क्यों इंस्पायर होना? अगर इंस्पायर हो जा रहा हूं और वैसा कर रहा हूं तो फिर ये मेरी गलती है, वो डायरेक्टर की गलती नहीं है, मूवीज की गलती नहीं है, आप ये बात को समझ लो। फिर भी मैं एग्री नहीं करता हूँ कि कोई भी लीड कैरेक्टर हमारा कुछ गलत करे और उसको जस्टिफाई किया जाए मूवी में, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मूवीज में किया जाता है, फिर भी वो नहीं करना चाहिए लेकिन किया जाता है। लेकिन मैं इस मूवी को लेकर के बिल्कुल अपोजिट सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता कि संदीप रेड्डी वंगा जो है जो हमारा रणविजय सिंह का कैरेक्टर है उसको कहीं से भी जस्टिफाई करता है। आज ही मैं कमेंट पढ़ रहा था कि उसको जस्टिफाई किया गया है, ग्लोरीफाई किया गया है हमारा लीड कैरेक्टर को, ऐसा नहीं है। आप अगर मूवी में ध्यान से देखो तो हर एक जगह जहां वो गलती करता है उसे उसके जो है लाइफ लेसन मुझे लगता है कि मिलते जाते हैं, और उस चीज को वो नहीं लेता है तो उसे लास्ट में जाकर के जो एंड में आप देखोगे उसे मुझे लगता है कि जो जो चाहता था उस अपनी पूरी लाइफ में उससे सब कुछ छीन जाता है। याद करो मैं शुरू से लेकर चलता हूँ, सबसे पहला वायलेंट सीन मैं कहता हूँ कि वो गलत तरीके से दिखाया गया, आप कहोगे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है वो गलत, कि स्कूल में जो है अपनी बहन के कारण जो है गन लेकर के चला जाता है AK-47 वहां पे फायरिंग करता है। तो क्या उसके बाद उसके साथ सब कुछ अच्छा हो गया? उसे क्या चाहिए था? पिता का प्यार, वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था, वो चाहता होगा साथ में रहना। लेकिन उसके बाद ही जस्ट उसी दिन क्या करते हैं उसके पापा उसके बोर्डिंग स्कूल उसको भेज देते हैं। तो क्या उसके साथ अच्छा हुआ? क्या आप सीख रहे हो इससे कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं, वहां पे डायरेक्टर ने दिखा दिया। उसके बाद वो जो भी काम करता है, वो जो इंटरवल के पहले जितने भी फाइट सीन्स थे, पर सबसे पहले तो भाई मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कितना अच्छा, मतलब रणवीर कपूर का एक्टिंग था वहाँ पे, एक्शन सीन्स थे। सबसे अच्छा लगा कि जो इंटरवल के पहले जो करीब 18 मिनट 20 मिनट के जो भी फाइट सीन्स थे और लास्ट में जो फाइट सीन है उसके साथ जो अर्जन वैली गाना है, मतलब कितना सूट करता है, कितना एक अलग सा लगा ना। क्योंकि आप जितने भी रिसेंट मूवीज देखो मूवीज में एक्शन सीन्स के साथ BGM अच्छा लगता था, यहाँ पे सॉन्ग कितना सूट कर रहा था, मतलब कुछ अलग किया उन्होंने और काफी अच्छा भी लग रहा था। समटाइम आप एक्सपेरिमेंट करने जाओ और फेल भी हो जाता है, लेकिन संदीप रेड्डी वंगा अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के डरते नहीं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। दूसरी बात, उसे उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बॉम्ब से, जितने भी उसको फिजिकली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, दूसरी हार्ट सर्जरी करवानी पड़ती है, वो सारी चीजें दिखाते हैं। लेकिन चलो ठीक है, ये तो फिल्म में मिड में दिखाया जाता है और फिर 5-10 मिनट में आता है, फिर चला जाता है वो सीन। लेकिन लास्ट में आप देखो, एंड में देखो कि उसे उसको क्या मिला, वही सारी चीजें करके उसे कुछ मिला क्या? सबसे पहला वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहता था? अपने पिता का प्यार। क्या वो मिल गया? लास्ट में जब उसे रोते देखोगे तो क्या अपने पिता का गले लग के भी रो रहा है? नहीं, उसे पिता का प्यार नहीं मिला, उसे उसकी पत्नी छोड़ के चले जाते, उसके बच्चे चले जाते हैं, तो उसके पास बचा क्या? फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे दिखा दिए संदीप रेड्डी वंगा ने, मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरती तरीके से, मतलब उस चीज को ना वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं करते उस कैरेक्टर को। आप याद करोगे एक सीन है जहां पे बोलते हैं उसके पिता जो है कि जो तू जितने भी गले काट रहा है मेरे प्यार के नाम पे गले काट रहा है, मुझे डायलॉग्स एग्जैक्टली नहीं याद है लेकिन ऐसा ही कुछ बोला जाता है कि तू मेरे नाम पे सब कुछ कर रहा है लेकिन ऐसा सही नहीं है, मतलब ये कहीं से भी सही तुम नहीं कर रहे हो। और लास्ट में उसके बोलते हैं कि तुम क्रिमिनल बन गए हो, एक तो स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि मेरा बेटा क्रिमिनल बन गया और इस हरकत को भी वो क्रिमिनल एक्ट ही बोल रहे हैं, मतलब कि आप ये क्रिमिनल वाली हरकतें कर रहे हो। तो आप समझ लो कि संदीप रेड्डी वंगा क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो सारी चीजें जो किया वो क्रिमिनल वाली हरकतें थी। वो धीरे धीरे जैसे जैसे हर एक जो भी क्राइम करते गया, जो भी कारनामे करते गया, वो धीरे धीरे जानवर बनते गया, लास्ट में बिल्कुल प्योर वो जानवर की तरह ही बिहेव करता है। तो ऐसा नहीं कि वो हमारा कैरेक्टर एक आदर्श बेटा था जो कि अपने पिता का प्यार पाने के लिए हर जो चीजें अच्छी चीजें ही करता था प्यार पाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, वो आदर्श बेटा नहीं दिखाया गया। तो कैसे लोग बोल रहे हैं कि इसको ग्लोरीफाई किया गया? नहीं, लास्ट में एक डायलॉग्स दिए गए हैं, बहुत सारे सीन्स दिए गए हैं इसको जस्टिफाई नहीं करने के लिए उस कैरेक्टर को, कि उसके फादर भी उसको क्रिमिनल बोलते हैं, उसे जो भी उसने क्राइम्स किए हैं उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करते हैं, वो उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है। तो कहां से आपको लगता है कि ये सारी चीजें जस्टिफाई कर रही मूवी में? लीड कैरेक्टर जो हमारा है उसे हर तरह से ग्लोरीफाई किया गया, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानता हूं। फिर बोला जा रहा है, मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था
ये हिपोक्रेट कैरेक्टर, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे हर एक सीन का कितना इंपॉर्टेंस होता है। मैं एक रिव्यू में सुना था, कुछ लोग बोल रहे थे जो दूसरी बात ना कि मूवीज जो भी ऐसा बोल रहे हैं ना, जो स्टेटस डाल रहे हैं, सोचो क्रिकेटिंग फील्ड का जयदेव उनादकट का मैंने एग्जांपल दिया था, वो मूवीज का चाहता कितनी बार वो मूवीज को लेकर के ट्वीट करते होंगे, लेकिन इस मूवी को लेकर तो इतना बुरा लग गया कि वो ट्वीट कर दिए। समझो उनके मतलब इंटरेस्ट एरिया में नहीं था, फिर भी तो समझ लो उनकी आइडियोलॉजी को ही सूट नहीं कर रहा था, इसलिए वो वैसा कर दिए। लेकिन क्या ये सही है? कहीं से भी ये सही है? उसके बाद मेरी ही एक वीडियो में मैंने जब लास्ट वीडियो डाला था, वाई सो मच हेट थंबनेल था, उसका टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर एक यूजर ने, एक व्यूअर ने मेरे कमेंट किया कि वीर शिवाजी महाराज जो थे वो लड़ाई करते समय जब उनके सामने औरत आ जाती है तो अपने हथियार डाल देते हैं, वो जमाना और अब क्या कलयुग आ गया है। अब सच में मतलब फिर से 2 सेकंड का तो मौन चल मतलब मांगता है इस कमेंट के लिए। फिर भी मैंने उसे अच्छी तरीके से समझाया इस बात को लेकर के कि सबसे पहले वीर शिवाजी महाराज को लेकर के मैं कैसा फील करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं जब भी सॉन्ग्स में सुनता हूँ, सॉन्ग्स वगैरह देखते हो, यूट्यूब पे बहुत पढ़ते हो, और वो सुन करके जितने गूज़बम्स आते हैं ना, आई एम श्योर आपको भी आते होंगे और मुझे भी आते हैं। और सबसे पहले इस चीज को आप किससे कंपेयर कर रहे हो? वीर शिवाजी महाराज को एक ऐसे कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हो जो कि पूरी मूवी में दिखाया गया है कि वो जो है एक जानवर बनता गया है, उसे उसके जो भी एक्ट है उसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया गया, और आप उसे कंपेयर कर रहे हो वीर शिवाजी महाराज से। क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? नॉनसेंस है ये बात। तो फिर भी मैंने उसे समझाया और फिर वो बात को एग्री भी करता है। यानी मैं समझता हूँ कि लोग ना आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे क्लिप्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके जो आइडियोलॉजी के लोग हैं वो बोल रहे हैं, इसलिए वैसा बोलना स्टार्ट कर दे रहे हैं। मैं जब उनको 2-3 चैट की तरह बात हुआ और जब वो समझ गया, लास्ट में उसने पूरे चैट थ्रेड को डिलीट कर दिया कमेंट बॉक्स से। मुझे लगता है वो समझ गया कि हाँ यहाँ पे मैं गलत हूँ। अगर मैं भी कहीं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और मैं उस चीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से फेयर तरीके से बताओगे, गाली दे करके बताओगे तो क्या ही जा रहा है, बट अगर अच्छे तरीके से बताओगे तो मैं उस चीज़ को सोचने और समझने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। और अगर मैं गलत रहूंगा तो एक्सेप्ट भी करूंगा, मैं उस बात को जरूर एक्सेप्ट करूंगा अगर मैं गलत रहूंगा तो। फिर एक मेरे वीडियो पे कमेंट आया बहुत ही गलत तरीके से, 2 रुपए की बत्ती लो और कहाँ डाल लो आप समझ ही गए होगे, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मूवी टॉक्सिक है, मूवी हेट फैलाती है। समझ रहे हो ना कि उसके कमेंट को याद करो, मैंने अभी बोला 2 रुपए की बत्ती लो और डाल लो, वो बोल रहे हैं कि मूवी टॉक्सिक है, इससे गलत मैसेज आता है, इसको सुन करके लोग गलत सीखेंगे। आप क्या कर रहे हो? ये तो मतलब ये होती है हिपोक्रेसी, ये रियल हिपोक्रेट लोग होते हैं। फिर भी मैंने उससे अच्छी तरीके से रिप्लाई किया, उस कमेंट का भी मैंने रिप्लाई किया, मुझे लगा कि उसे अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा तो शायद वो चीज़ों को समझ पाएगा। और जब मैं जैसे ही बोला भाई मालिक गलती हो गया क्या कुछ, तो फिर वो अच्छे तरीके से बात किया और फिर बोला कि क्या ये मूवी देखने लायक है, क्या फैमिली के साथ देखने लायक है ये मूवी, तुम ही बताओ क्या मूवी अच्छी लगी। मैंने बोला हो सकता है आपको मूवी अच्छी नहीं होगी, मैं इस बात का रेस्पेक्ट भी करता हूँ कि आपको मूवी अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मूवी अच्छी नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगेगी। हो सकता है मूवी मुझे भी नहीं अच्छी लगी, किसी और को अच्छा लगे, तो हर किसी के चॉइस को आप रिस्पेक्ट करो ना। उसके बाद बोल रहे हैं कि क्या एक मूवी फैमिलीज के साथ देखने के लिए जा सकते हैं, तो क्या संदीप रेड्डी वगैरह चुपके से फिल्म को रिलीज कर दिए और बोल दिए, बताए भी नहीं आपको कि 18+ मूवी है, क्या ट्रेलर भी नहीं रिलीज किए, क्या ट्रेलर देख करके कि आपको वाइब्स आ रहे हैं कि नहीं ये तो पूरी फैमिली मूवीज है, मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ ही मूवी देखने जाऊंगा, क्या आप ऐसा सोच करके मूवी देखने गए थे? नहीं, तो फिर ये आपकी गलती, अगर आप देखने चले गए अपनी फैमिली के साथ तो 18+ मूवी है। और जो 18 साल के कम के लोग देख रहे हैं, ये तो मैं कहूंगा कि उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि कैसे 18 साल के नीचे मूवी देखने चले जा रहे हैं, आपकी गलती है यहाँ पे। एनीवे आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड।